आज मैं फिर आपको एक ऐसे स्थान पर लाया हूं जो आपका मन को मोह लेगा। आज मैं आपको ऐसे स्थान पर लाया हूं जो आपको आनंदित कर देगा, आपके फेफड़ों में ऑक्सीजन की। आज हम एक बात कर रहे थे कि कहीं तीसरी लहर नहीं आ जाए, और इसके लिए प्रशासन, सरकार और जागरूक लोग तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरह से अधिकतम ऑक्सीजन हम कैसे ले सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहूँगा, हम प्रकृति को अगर थोड़ा सा भी प्रयास करें तो बदले में हमको बहुत कुछ दे सकती है। एक जामुन का पेड़ है, लोग जामुन लगाते हैं, लोग जामुन लगाते हैं और उन जामुनों के फल को पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। पक्षी ही नहीं, सभी खाते हैं, मनुष्य खाते हैं। लेकिन कुदरत कितना गुना लौटाती है। देखिए, सिरोही टेम्पल्स ने हमेशा प्रकृति का वर्णन किया है, ये वृक्ष है। वेद कहता है ये वृक्ष अपने अंकुर, कोपल, पत्ते, जड़, छाल, तना और फलों से ये क्या नहीं देते, सब कुछ देते हैं। आज मैं सीधे फलों की बात करता हूँ। किसी महापुरुष ने एक बीज बोया होगा, ये जामुन है, एक बीज बोया होगा और थोड़ी मेहनत की होगी कुछ साल, और उसके बाद में ये वृक्ष देता ही जा रहा है, देता ही जा रहा है और देता ही रहेगा। एक संत कहते थे कि अगर आपको सच में जन्मों जन्मों का पुण्य पाना है तो आप वृक्षारोपण कर दीजिए, फलदार वृक्ष लगाइए और ये पृथ्वी का संरक्षण हो जाएगा, ये जीव दया हो जाएगी, ये आप उस ऋण को उतार पाएंगे जो प्रकृति का ऋण है, जो कुदरत का ऋण है। मैं आपको इस विहंगम तस्वीर के साथ मेरी बात को करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखें, ये फल ये मैंने अभी तोड़े हैं साहब, ये मैंने अभी तोड़े हैं और मैंने खुद के खाने के लिए तोड़े हैं। देखिए, ये मैं तोड़ रहा हूँ और अगर कहीं ऐसा अवसर मिल जाए ना साहब, तो इससे कोई बेहतर आनंद की बात नहीं हो सकती। ये वो जामुन है, काले जामुन, जिनमें जो मधुमेह के लिए तो रामबाण है साहब। आप मधुमेह रोगी हैं तो जामुन खाइए, ऐसा आयुर्वेद कहता है और आयुर्वेद झूठ नहीं बोलता। आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद कहता है कि आप जामुन खाएंगे। मैं देखिए जामुन तोड़ रहा हूँ, आज मेरे को मैं आया हूँ यहाँ, मेरे एक परम मित्र का कुआ है और इस कुएं पे बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं। ये एक जामुन है जो चूंकि मकान के बिल्कुल पास में है तो मुझे कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही। ये एक एक डाली, एक एक जामुन को मैं तोड़ रहा हूँ और ये जामुन को जब हम मसाला लगा के खाएंगे साहब, तो आप सच मानिए आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। ये देखिए आप किस तरह से एकदम झुग्गे के झुग्गे आप देख सकते हैं। ये मीठे जामुन पक्षी खाते हैं, ये मीठे जामुन आप देखिए। मैं थोड़ा सा और इसको नज़दीक से देखिए, ये फलों से झुक रहा है और जब भी फल आते हैं, या यूं कहें कि मनुष्य में जब गुणों का गुण आते हैं तो वो झुक जाता है। ये खूबसूरत नज़ारा, ये अरठ है हमारे परम आदरणीय श्री रघुनाथ जी माली साहब का। माली है तो बागवान है, बागवान है तो स्वाभाविक है अपनी अपनी उस जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। भले ही व्यापारी हैं, भले ही होटल व्यवसायी ही हैं, लेकिन अपना मूल कार्य कैसे छोड़ सकते हैं साहब। और आपने मूल कार्य नहीं छोड़ा, आपने जमीन से जुड़े रहे, फलदार वृक्षों का जिसको कहें कि लगाए, और कौन खाता है ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फल लगने चाहिए।
मैं इस सुंदरतम बारी घाटा, ये देखिए सिरनवा की पहाड़ियाँ हैं, आप इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखकर, ये वो पहाड़ियाँ हैं सज्जनों जहाँ अनगिनत स्थान हैं सिद्धों के, संतों के, ये वो स्थान हैं। अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आगे लोटाणा पड़ता है, लोटाणा एक स्थान है, उधर जाएंगे तो दियाणा जी पड़ता है, नादिया पड़ता है। मैं इस बात को कहते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ कि आज से 2600 साल पहले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने इस क्षेत्र में 7 बार विहार किया था। ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए जन्म मृत्यु तो अनादि काल से चली आ रही है, हमको जन्म मिला है, हम जी लेंगे, जीने के बाद फिर चले जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, लेकिन धर्म शास्त्र ये कहता है कि मनुष्य का जन्म मिला है तो हमको भजन करने चाहिए। धर्मशास्त्र कहता है कि मनुष्य का जन्म मिला है तो हमको साधना करनी चाहिए, हमको भजन करना चाहिए। और मन लागो मेरो यार फकीरी में, ऐसे भाव हम प्रकट करें तो आनंद आ जाएगा सच में। मैं राजेंद्र नरूका, सिरोही टेम्पल्स एक यात्रा है, अनंत की यात्रा। देखिए हम कोई, हम तो एक सामान्य कर्मचारी हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट के नेत्र सहायक के पद पे हैं, लेकिन हम मनुष्य भी हैं, हमको हमारी हमारे लक्ष्य मालूम है कि हम हरि का चिंतन करें, हम हरि का भजन करें, हम हरि की चर्चा करें, हम हरि का संदेश को पहुंचाएं, क्योंकि भजन के सिवा, हरि का भजन पेट का धंधा नहीं करे सो मूर्ख धंधा। हम हरि का भजन करें, पेट का धंधा करें और बस जीवन को पार पटक जाएगा आसान। नमस्कार, मैं सिरोही टेम्पल्स के बारे में तो इतना ही कहूँगा, ये गैर राजनीतिक चर्चा होती है इसमें। यहाँ अनगिनत मंदिर, अब तक 752 वीडियो बनाए हैं तथ्यात्मक जानकारी के साथ। बहुत कोशिश की कि हम एक सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। हमने कोशिश की कि हम स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाएं और फिर उसका लाइव वीडियो बनाएं और उस वीडियो के माध्यम से आप तक, आपको उस संस्कृति से जोड़ें। हमारी युवा पीढ़ी को भी हमने जोड़ने का प्रयास चल रहा है। मैं मेरी बात को विराम देता हूं, आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स की अनंत यात्रा। नमस्कार।